को सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत निजी क्षेत्र के लिए देश के 41 कोल ब्लॉक में कॉमर्शियल माइनिंग के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू करते हुए इसे ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पहले ही की गई घोषणाओं में यह फैसला भी शामिल था। याद रहे, पिछले कुछ सालों में कोल सेक्टर भयानक ठहराव से गुजरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर हैरत जताई कि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कोयला भंडार होने के बावजूद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला आयातक देश क्यों है। अगर भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है तो हम सबसे बड़े निर्यातक क्यों नहीं बन सकते। आज हम सिर्फ कॉमर्शियल कोल माइनिंग के लिए ऑक्शन ही लॉन्च नहीं कर रहे हैं, बल्कि कोल सेक्टर को दशकों के लॉकडाउन से भी बाहर निकाल रहे हैं। कोल सेक्टर के लॉकडाउन का क्या प्रभाव रहा है, ये मुझसे भी ज्यादा आप सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। सोचिए, जो देश कोल रिजर्व के हिसाब से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश हो, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हो, वो देश कोल का एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, बल्कि हमारा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोल इंपोर्टर है, कोल आयात करता है। बड़ा सवाल ये है कि जब हम दुनिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, एक प्रकार से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के जो मेन ग्रुप हैं, हम उसमें से एक हैं। अगर ये सच्चाई है तो हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर क्यों नहीं हो सकते। पीएम मोदी ने कहा कि कोल सेक्टर में हो रहे निवेश और इससे लोगों के जीवन में भारी बदलाव देश की प्रगति में सार्थक साबित होगा। माना जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में ये सबसे महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र में सुधार लागू करने और स्थानीय आबादी के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ने की बात कही। ऐसा लगता है कि सरकार ने सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ही अपनी कार्य योजना तैयार की है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला खदानों की नीलामी शुरू करने को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत ने कोल और माइनिंग के सेक्टर को कंपटीशन, कैपिटल के अलावा भागीदारी और तकनीकी के लिए पूरी तरह से खोलने का बहुत बड़ा फैसला लिया है। इन रिफॉर्म्स के बाद अब कोल प्रोडक्शन, पूरा कोल सेक्टर भी एक प्रकार से आत्मनिर्भर हो पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा है कि जब हम कोल प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो पावर जनरेशन बढ़ने के साथ ही स्टील, एल्युमिनियम, फर्टिलाइजर, सीमेंट जैसे तमाम दूसरे सेक्टर्स में प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। साथ ही कोयला क्षेत्र में निवेश से हमारे गरीब और आदिवासी भाई बहनों के जीवन को आसान बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। जब हम कोल प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो पावर जनरेशन बढ़ने के साथ ही स्टील, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, सीमेंट जैसे तमाम दूसरे सेक्टर्स में प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग पर भी सकारात्मक पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। कोल सेक्टर में हो रहे रिफॉर्म, इस सेक्टर में हो रहा निवेश लोगों के जीवन को, विशेषकर हमारे गरीब और आदिवासी भाई बहनों के जीवन को आ
आसान बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। पीएम मोदी ने बताया कि 2014 के बाद इस स्थिति को बदलने के लिए एक के बाद एक कई कदम उठाए गए, लेकिन जिस कोल लिंकेज की बात कोई सोच नहीं सकता था वो हमने करके दिखाया। साल 2014 के बाद स्थिति को बदलने के लिए एक के बाद एक कई कदम उठाए गए। जिस कोल लिंकेज की बात कोई सोच नहीं सकता था वो हमने करके दिखाया। ऐसे कदमों के कारण कोल सेक्टर को मजबूती भी मिली। वही बात करें झारखंड की तो देश का सर्वाधिक कोयला रिजर्व, कहे तो कुल कोयला रिजर्व का 40% वाला राज्य झारखंड है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को कहा कि कोयला खदानों की नीलामी को लेकर राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अर्जी दायर की है। उन्होंने कहा कि कोयला खदान की नीलामी में केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को विश्वास में लेने की जरूरत थी, क्योंकि झारखंड में खनन का विषय हमेशा से ज्वलंत रहा है। उन्होंने कहा कि इतने वर्षों बाद नई प्रक्रिया अपनाई गई है और इस प्रक्रिया से प्रतीत होता है कि हम फिर उस पुरानी व्यवस्था में जाएंगे जिससे हम बाहर निकले थे। साथ ही कहा कि मौजूदा व्यवस्था से यहाँ रह रहे लोगों को खनन कार्य में अब भी उसका अधिकार उनको नहीं प्राप्त हुआ है। अभी भी विस्थापन की समस्याएं बड़े पैमाने पर उलझी हुई हैं, जमीन विवाद भी उलझे हुए हैं। आज इसको लेकर लगभग सभी मजदूर संगठन सड़कों पर हैं। कोल ब्लॉक नीलामी को लेकर के राज्य सरकार कोर्ट का दरवाजा कोर्ट जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने अर्जी दाखिल की है, क्योंकि एक बहुत बड़ा नीतिगत निर्णय है और इसमें राज्य सरकार को भी कॉन्फिडेंस में लेने की आवश्यकता है, क्योंकि खनन को लेकर राज्य में हमेशा ये विषय ज्वलंत रहा है और इतने वर्षों के बाद एक नई प्रक्रिया अपनाई गई है और इसी प्रक्रिया के माध्यम से हम फिर ऐसा प्रतीत होता है कि फिर वही पुरानी व्यवस्था में हम लोग जाएंगे जिस व्यवस्था से बाहर आए थे। लेकिन आने के बाद मौजूदा व्यवस्था के माध्यम से भी यहाँ के रैयतों को, यहाँ के लोगों को इस खनन से अभी भी उसका अधिकार उनको नहीं प्राप्त हुआ। अभी भी विस्थापन की समस्याएं बड़े पैमाने पर उलझी हुई हैं, जमीन विवाद भी उलझी हुई हैं। आज इसको लेकर लगभग सभी मजदूर संगठन सड़कों पर है। आपको बता दें कि 10 जून को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र को पत्र लिखा था। उसमें कहा था भारत सरकार द्वारा वाणिज्यिक खनन के लिए भारत के कोयला क्षेत्र को खोलने का निर्णय वास्तव में एक बहुत ही ऐतिहासिक और साहसिक कदम है। झारखंड जैसे राज्य के लिए इसका बहुत अधिक महत्व है, जो खुद समृद्ध खनिज संपदा से समृद्ध है। बहुत आकर्षक नीतियों के बावजूद हम अपने खनिज बंदोबस्त के योग्य निवेशों को आकर्षित नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा हमारे राज्य के लोग 2000 में इसके निर्माण के बाद से औद्योगिक विकास की मांग कर रहे हैं, जो सभी के लिए समावेशी विकास और समृद्ध सुनिश्चित करेगा। तत्कालीन राजग सरकार ने झारखंड राज्य का निर्माण हमारे आदिवासी समुदाय के सीमावंत वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए एकमात्र उद्देश्य के साथ किया गया था। कोयला और लोह आयशक दो सबसे महत्वपूर्ण खनिज है जो प्रतिस्पर्धी नीलामी के लिए आएंगे। हालांकि ये दोनों खनिज उन जिलों में पाए जाते हैं जिनमें महत्वपूर्ण वन हैं और अनुसूचित जनजाति और पिछड़े समुदाय की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इसकी मेजबानी करता है। यह इस राज्य के लोगों के बड़े हित में होगा यदि नई नीति सर्वश्रेष्ठ विदेशी और घरेलू निवेशकों को आकर्षित करने में सक्षम है, जो नवीनतम तकनीकी उपकरणों के माध्यम से वैज्ञानिक खनन का अभ्यास करने के लिए
जाने जाते हैं। इन सबसे ऊपर हमारी वन संपदा पर खनन गतिविधियों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना बेहद जरूरी है। यह सुनिश्चित करना भी हमारा कर्तव्य होगा कि इस तरह की आर्थिक गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली धनराशि का वितरण हमारे समाज के सबसे हाशिए के वर्गों तक भी पहुंच सके। हालांकि झारखंड सरकार अपने खनिजों की नीलामी प्रक्रिया का सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहती है, लेकिन यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि संपूर्ण नीलामी प्रक्रिया तब आयोजित की जाए जब राज्य और आर्थिक वातावरण पर्याप्त रूप से तैयार हो और अधिक अनुकूल हो, ताकि निवेशकों की बेहतर भागीदारी सुनिश्चित हो सके। और इस विषय पर झारखंड सरकार ने जल्दबाजी न करने का आग्रह केंद्र से किया था। जब केंद्र से कोई ऐसा आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ जिससे हमें लगे कि इसमें ट्रांसपेरेंसी है, यह समझना भी जरूरी है कि क्या इससे राज्य को फायदा है या यहाँ के लोगों को फायदा है, इसको लेकर हमने यह निर्णय लिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जबकि होना तो यह चाहिए कि इतने दिनों से यहाँ खनन कार्य होते रहे हैं, इससे एक राज्यव्यापी सर्वे भी होना चाहिए था कि खनन से यहाँ के लोगों को कितना लाभ हुआ। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे भी कम से कम किया जाना चाहिए था, ताकि यह बातें पता चले कि इससे लोगों को लाभ मिला है कि नहीं, और नहीं मिला तो क्यों नहीं, इस दिशा में आगे कैसे बढ़ा जाए, यह एक बड़ा विषय है। और इस विषय पर मुझे लग रहा है कि केंद्र ने बहुत हड़बड़ी दिखाई है, क्योंकि पूरी दुनिया लॉकडाउन के जंजीरों से जकड़ा है और आज इसमें पूरे तरीके से विदेशी निवेश की बात भारत सरकार कर रही है, जबकि विदेश के लोगों का आवागमन भी बंद है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, स्थानीय समस्याएं हैं और उद्योग धंधे का भी स्थिति आप देखेंगे कि सब ठप पड़ा है। ऐसे में मुझे लगता है कि उचित और राज्य को लाभ देने वाला प्रक्रिया मुझे कम प्रतीत होते दिखाई देती है। इसलिए हमने यह निर्णय लिया है कि इस विषय पर कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। और इस विषय पर हम लोगों ने इस पर जल्दबाजी ना करने का आग्रह केंद्र सरकार को किया था। जब उधर से कोई ऐसा आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ जिससे हमें लगे कि इसमें ट्रांसपेरेंसी है या इसमें राज्य को फायदा है, यहाँ के लोगों को फायदा है, इसको लेकर हमने ये निर्णय लिया है। इसको समीक्षा उपरांत पूरा विस्तृत रूप पे, जबकि होना तो ये चाहिए कि इतने दिनों में यहाँ खनन कार्य होते रहे हैं, इससे एक राज्यव्यापी सर्वे भी होना चाहिए था कि खनन से यहाँ के लोगों को कितना लाभ हुआ। सोशियो इकोनॉमी सर्वे कम से कम किया जाना चाहिए था, ताकि ये बात पता चले कि इस खनन से लोगों को लाभ मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, तो इस दिशा में आगे कैसे बढ़ी जाए। ये बहुत बड़ा विषय था और इस विषय पे मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार ने बहुत हड़बड़ी दिखाई है, क्योंकि पूरा दुनिया लॉकडाउन के जंजीरों से जकड़ा है और आज जिसमें पूरे तरीके से विदेशी निवेश की भी बात भारत सरकार कर रही है, जब विदेश के लोगों का आवागमन ही अभी बंद है, तो ये चीज़ें अभी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, स्थानीय समस्याएं हैं। और आज के दिन में डिमांड भी, उद्योग धंधे का भी स्थिति आप देखेंगे कि सब ठप पड़ा है, और ऐसे में मुझे लगता है कि उचित और राज्य को लाभ देने वाला प्रक्रिया मुझे कम प्रतीत होती दिखाई देती है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि इस विषय पर हम लोग कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और इसको लेकर हम लोग आगे बढ़े। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.rivalindiatv.com।